तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लाइफ. ठीक है, ये होता है हमारा लाइफ. दीज आर आर लाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स. ठीक है, लेट्स वेयर आर ग्लव्स बिफोर डूइंग एनीथिंग. सेफ्टी गॉगल्स यू शुड वेयर. आई एम नॉट वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स, सॉरी, ओनली बिकॉज आई वेयर स्पेक्स एंड आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. ओके, सो मैं स्पेक्स पहनती हूँ तो मैं सेफ्टी गॉगल्स में काफी डिफिकल्टी फेस करती हूँ, इसलिए आई एम नॉट वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स. बट यू शुड डेफिनेटली वेयर सेफ्टी गॉगल्स ऑल्सो. फॉलो ऑल प्रिकॉशंस दैट वर मेंशन. ग्लव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लेट्स कैलकुलेट आर लाइफ. सो वी आर डूइंग लाइफ हियर 29 ग्राम्स. ठीक है, सोप कैल की रेसिपी के हिसाब से मैं 29 ग्राम्स लाई मेजर कर रही हूँ इस बाउल में. Once again, I'm taking a different container and I'm measuring water into this. ठीक है, मैं distilled water measure कर रही हूँ. Second part है मेरा distilled water. इस recipe के according मुझे चाहिए 76 gram of distilled water. 29 gram लाई था, अब 76 gram of distilled water है. Your measurements need to be exact. इसमें बहुत जरूरी है कि आपके मेजरमेंट सही हो. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग योर मेजरमेंट. नाउ मिक्सिंग लाई टू द वाटर. ये लाई हमें वाटर में मिक्स करना है. ओके, वी आर गोइंग टू मिक्स द लाई इनटू द वाटर एंड नॉट द वाटर इनटू द लाई. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. लाई को उठा के वाटर में मिक्स करना है. राइट, आई टेक अ स्पैचुला एंड धीरे धीरे वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. ठीक है, वर्क इन एन एरिया विच इज वेल वेंटिलेटेड. कैन यू सी इट इज बिकमिंग वाइट. ठीक है, एंड इट इज बिकमिंग वेरी हॉट. लाई जैसी वाटर के साथ डलता है वो बहुत गर्म हो जाता है. राइट, एंड बहुत फ्यूम्स छोड़ता है. सो वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. आई एम टेकिंग 4 ऑयल्स हियर. ठीक है, मैं 4 ऑयल्स ले रही हूँ यहाँ पे. फर्स्ट आई एम टेकिंग माय ऑलिव ऑयल. रेसिपी के हिसाब से ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल सब है. ओके, आई एम टेकिंग दिस आउट. आई डोंट नीड माय ग्लव्स फॉर मेजरिंग ऑयल्स. नाउ आई नीड टू हीट अप दीज ऑयल्स अ लिटिल बिट. ठीक है, मुझे ये ऑयल्स को थोड़ा हीट करना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप देम इन द माइक्रोवेव फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसे माइक्रोवेव में रख के थोड़ा सा गर्म करूंगी क्योंकि अभी ये बहुत ठंडे है. हाँ, सो हियर आई एम एडिंग हल्दी. ठीक है, हल्दी एंड लेमन वी आर गोइंग टू मेक. राइट, सो हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ. हल्दी ऐड में कर रही हूँ लगभग हाफ टी स्पून. एंड अकॉर्डिंग टू आर रेसिपी आई एम गोइंग टू ऐड इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल. ओके, हल्दी, वी आर मेकिंग अ लेमन टर्मरिक सोप. राइट, सो वी आर एडिंग हल्दी, लेमन टर्मरिक. टर्मरिक आई एम यूजिंग वाइल्ड टर्मरिक. घर में जो हम टर्मरिक यूज करते हैं मैं वो यूज नहीं कर रही हूँ. आई एम यूजिंग वाइल्ड टर्मरिक. ओके, दिस इज द मोल्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज. इस मोल्ड में मैं सोपिंग करूंगी. लेट मी रेडी दिस अप ऑल्सो. इसे भी मैं यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ. नेक्स्ट है माई ब्लेंडर, माई स्टिक ब्लेंडर. ठीक है, इस तरीके के स्टिक ब्लेंडर के साथ आपको काम करना है. सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप योर स्टिक ब्लेंडर इनसाइड. आपको ऐसे ऊपर काम नहीं करना है. ठीक है, आपको हमेशा अंदर रख के काम करना है. आपके ऑयल्स और लाई सोल्यूशन में वो हमेशा अंदर होना चाहिए. राइट, वी हैव मिक्सड हल्दी एंड एसेंशियल ऑयल. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव अ लिटिल मिक्स टू यू ताकि आपका हल्दी और एसेंशियल ऑयल अच्छे से आपके ऑयल्स के साथ मिक्स हो जाए. राइट, वी हैव नॉट एडेड द लाई सॉल्यूशन टिल नाउ. वी हैव जस्ट मिक्स इट. राइट, नाउ इस तरीके से स्टिक ब्लेंडर के ऊपर लाई सॉल्यूशन डालेंगे तो वो छलकेगा नहीं. अब मैं इसको इस तरीके से अंदर डाल के टैप दूंगी इस तरीके से. व्हाई आई एम डूइंग दिस टैपिंग मोशन? टू रिलीज ऑल द एयर बबल्स. ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिक्सिंग इट.
हमारा ये रेडी है, इस पे बहुत मीडियम ट्रेस है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लीव इट फॉर 5 मिनट्स टू लेट इन लेट इट थिकन अप जस्ट अ लिटिल बिट मोर एंड देन वी आर गोइंग टू पॉर इट इनटू द मोल्ड. ठीक है, ये आप जो स्टार्ट किया था ना उससे थोड़ा थिक हो गया है, ट्रेसिंग आ रही है. आप इसको ऐसे उठा के देखेंगे ना ऊपर, आई एम नॉट श्योर इफ यू आई विल बी एबल टू शो इट टू यू इन दिस वीडियो, बट इट हैज अ वेरी लाइट स्लाइट ट्रेस. ठीक है, अगर हम इसको इससे ज्यादा स्लिक ब्लेंडर से करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा ओवर हीट होके थिक हो जाएगा. वी डोंट वॉन्ट अ थिक ट्रेस, वी वॉन्ट अ लाइट ट्रेस. ओके, ये हमारा रेडी है. We can see the trace. Okay, it has thickened up. अगर इसको आप और thicken up करेंगे तो वो बहुत ज्यादा thicken up हो जाएगा. So this is perfect. What I am going to do is, I am going to pour it in any of the silicone mold.